जो हम कैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पास हुए हैं बच्चे वो अपना भविष्य तय करेंगे, आगे जाएंगे, आगे किस तरह से वो अपना भविष्य चुनते हैं उन्होंने बताया। अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पवन के पास भी हम चलते हैं, पवन के साथ टॉपर हंसिका भी मौजूद हैं और कुछ और छात्र भी मौजूद हैं। पवन बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका और उनकी मदर हमारे साथ मौजूद हैं और लाइव पे बात कर लेते हैं। अंशिका सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। तैयारी किस तरीके से की, क्या सोचा था आपने? मैंने मार्क्स के बारे में नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं अपना 100% दूंगी और मैं रेगुलर रही, कंसिस्टेंट रही। जी मदर भी आपकी साथ में है, बात करते मैम। तैयारी ये कर रही थी, टेंशन आप लोगों को होती थी? टेंशन कुछ नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे भरोसा था कि ये बहुत अच्छा करने वाली है। जी कैसे प्रिपरेशन कैसे कराते थे घर पे भी, कैसे इसको बूस्टअप करते थे? हाँ, टाइम टेबल इसका बनाया हुआ था, टाइम टेबल फॉलो करती थी। उस टाइम टेबल में इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी टाइम था, सोने का, उठने का, खाने का और सोशल मीडिया से भी कॉन्टैक्ट इसका रहता था, तो टाइम टेबल इसने फॉलो किया। अंशिका और बच्चों के लिए क्या मैसेजेस हैं जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कंपटीशन का दौर है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है क्या? ऑफकोर्स मैं वही बात रिपीट करूंगी जो बाकी प्रीवियस टॉपर्स करते हैं कि अपना कंपटीशन अपने आप से ही है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को ही बेटर करना है, कंपटीशन पॉजिटिव होना चाहिए और अपने आप को हमेशा। ये भी पूछिए कि आगे हंसिका की क्या प्लानिंग है, स्कूल और स्कॉलर। जी जी आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए? मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ एंड मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी ट्राई करना चाहती हूँ। जी अगर बात करें तो स्कूल और फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है और कैसे तैयारी करते हैं आप? बहुत सपोर्ट मिला है, टीचर्स ने बिल्कुल अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, मॉरली मटेरियल वाइज, मतलब नोट्स और असाइनमेंट्स और वर्कशीट्स। और पवन हंसिका से ये भी जाने कि वो अपने आप को कूल और काम रखने के लिए क्या करती थी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा टेंशन भी देती है कभी कभी। बिल्कुल, आप अपने आप को कूल और काम रखने के लिए क्या करती है, मतलब एक बच्चा होता है कि कहीं हाइपर ना हो जाए, बहुत टेंशन ना हो जाए? नहीं, मैं जब भी मैं हाइपर होती थी ऑफकोर्स मेरा बहुत नर्वस मैं हो जाती थी कई बार, तो मैं आई ट्राई टू लेट इट पास और मैं यही सोचती थी कि मेरा काम है पढ़ना, प्रेजेंट में रहना। क्या बहुत ज्यादा प्रेशर सिर्फ पढ़ने पे रहता था या रिलैक्स भी करती थी खुद को कभी? हाँ रिलैक्स करती थी ऑफकोर्स, मैं एक घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाती तो इसलिए मैं ट्राई भी नहीं करती थी, मैं एक घंटा रेस्ट लेती थी फिर एक घंटा। और हंसिका को सबसे मूवीज देखना या नहीं? मैं मूवीज में बहुत इंटरेस्टेड नहीं, बट हाँ मैं गाने सुनती थी, मैं लिखने की कोशिश, मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती थी, नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, मतलब जीके की जनरल नॉलेज आप बढ़ाती थी हमेशा। आगे की एक बार और प्लानिंग पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से रोड मैप तैयार है, क्या करना चाहेंगे? रोड मैप बहुत सीरियस नहीं है, ऑफकोर्स हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, बट अभी मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करना चाहती हूँ DU से, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन से, एंड मैं उसके बाद अपने ऑफकोर्स सेकेंड या थर्ड ईयर से मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी ट्राई करूँगी। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको मिला, किससे मिला, कैसे? टीचर्स से और पेरेंट्स से ऑलमोस्ट इक्वल सपोर्ट मिला है, मॉरली मटेरियली इमोशनली हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा उन्होंने। मैम एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहेंगे मैम कि किस तरीके से जब ये रिजल्ट आपके सामने आउट हुआ तो कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है? हाँ बहुत सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए और खुशी तो बयान नहीं की जा सकती। पापा को बताया इनके, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? पापा ने ही मुझे बताया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था और फिर मैंने उन्हें दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं सच है बात। मैम क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, कैसे अब अंशिका का ब्राइट फ्यूचर, कैसी क्या क्या उम्मीदें, क्या सोचते हैं बच्चे से? नहीं वो उसी के हाथ में है, जिधर वो जाना चाहेगी हमारा पूरा सपोर्ट उसके साथ है। जी बिल्कुल, तो ये आप भी साथ में मौजूद हैं, भाई भी, आप ये बताइए कि आप कैसे वो प्रिपेयर करती थी, क्या है, क्या होता था? सबसे पहले तो मैं शौक में हूँ, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि हुआ कैसे है एकदम से, जो मतलब जिस तरीके से इसकी तैयारी होती थी मार्क्स तो उसके बिल्कुल ही उल्टे आए हैं। तैयारी मतलब अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, तैयारी कम करती थी लेकिन मार्क्स ज्यादा है, दोनों ही बात है हाँ कहने को। और क्या लगता था जब तैयारी करती थी तो आप देखते थे, क्या इंस्पिरेशन मिलता था, और इसकी उम्र के बच्चे क्योंकि बहुत लाइटली लेते हैं उस समय चीजों को? लोग एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं पढ़ाई के चक्कर में चीजें जो हैं वो छोड़ देते हैं, तो इसने उन चीजों को भी कंटिन्यू रखा, जैसे बाहर थोड़ा बहुत शाम को वॉक कर लिया या फिर सोशल मीडिया पे रह ली, लेकिन जब एंड टाइम था उस समय सारी चीजों से अलग हट गई थी। लड़ाई झगड़ा होता था आपस में कभी? बहुत पढ़ाई के चक्कर में होता था, खैर पढ़ाई के चक्कर में, कभी वो आपकी खिंचाई कभी आप उनकी खिंचाई, बस अब कितनी खुशी महसूस हो रही है और कैसे लग रहा है कि अंशिका का ब्राइट फ्यूचर है, कैसे तैयारी करेगी आगे, क्या? मैं जो भी करेगी मैं उसके लिए 100% सपोर्ट है।
तो ये थी अंशिका की फैमिली, आप सुन रहे थे, हमारे साथ लाइव मौजूद थी। जी बिल्कुल पवन, आपके पास लौटेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी अपना रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ ने टॉप किया है और टॉप करने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन।